चेन्नई टेस्ट के दूसरे दिन ऋषभ पंत की कमेंट्री हुई जमकर वायरल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप वर्ल्ड वाइड क्रिकेट की एक और नई वीडियो में। भारत और इंग्लैंड के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। टेस्ट का दूसरा दिन भारतीय गेंदबाजों के नाम रहा। रवि अश्विन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटकाए, जिसके चलते इंग्लैंड की टीम पहली पारी में महज 134 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में 1 विकेट खोकर 54 रन बना लिए हैं और टीम की कुल बढ़त 249 रन की हो गई है। टेस्ट के दूसरे दिन ऋषभ पंत की विकेट के पीछे से की गई कमेंट्री भी जमकर चर्चा में रही और सोशल मीडिया पर फैंस ने भी इसको काफी एंजॉय किया। बता दें, ऋषभ पंत ने पहली पारी में 58 रनों की नाबाद पारी खेली और बतौर विकेट कीपर भी पंत ने कुछ लाजवाब कैच पकड़े, जिसमें ओली पोप का विकेट भी शामिल रहा। हालांकि टेस्ट के दूसरे दिन पंत अपनी बल्लेबाजी और कीपिंग से कहीं ज्यादा चर्चा में अपनी कमेंट्री को लेकर रहे। पंत विकेट के पीछे से खड़े होकर लगातार गेंदबाजों को सलाह भी देते नजर आए। पंत ने बेन फॉक्स के लिए अक्षर से कहा, इसके मुंह पर भी डाल सकता है। पंत की आवाज स्टंप माइक में कैद हुई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बता दें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई सीरीज में भी पंत इसी तरह से कमेंट्री करते नजर आए थे। दोस्तों, आप भी पंत को लेकर अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ज़्यादा जानकारी और क्रिकेट की अन्य तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।